प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं। कहां चले गए थे सुबह सुबह आप? केशव को देखने गया था। अब ठीक है? हाँ, पहले से बेहतर है, लेकिन नशे की लत लग गई है उसे। इक्का दुक्का लोग ही छूट पाते हैं नशे की गिरफ्त से। बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। जरूरत है तो बस दृढ़ इच्छा शक्ति की। प्रणाम साई। राम जी भला करें। क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकता हूँ? चाहे जितना भी इंतजार करना पड़े, सेठ जी से बात करने के बाद ही आइएगा। अगर वो हमें माल बनाने के लिए कह दे तो हमारे हालात सुधर जाएंगे। तुम बेफिक्र रहो कावेरी, सेठ जी हर हाल में आज काम मुझे ही देंगे। मैं साथ चलूं, बाजार से कुछ सामान भी खरीद लूंगी, और हमें ऊन की भी जरूरत होगी ना? नहीं नहीं, तुम यही रहो, मैं जरूरत का सारा सामान लेते आऊंगा। ठीक है? ठीक है। बाजार से जल्दी काम निपटाकर साईं के पास चला जाऊंगा। उम्मीद है कि अब्दुल अपने काम में व्यस्त रहेगा तो मुझे साईं की सेवा करने का कुछ समय मिलेगा। अब हमारी उम्र हो चुकी है। सुबह हुई नहीं कि साईं से चिपक गया। अगर यही हाल रहा तो मैं तो शर्त हार जाऊंगा। बुढ़ापे ने हमें कमजोर कर दिया है। मेरी पत्नी की नजर भी कमजोर हो गई है। बस यूं समझिए कि लगभग अंधी है। लेकिन क्या करें, पानी के बिना घर का कोई काम नहीं होता, और अकेले पानी लाना हम में से किसी एक के बस में नहीं है। इसलिए हम मिलकर एक दूसरे का सहारा लेकर चलते हैं। इससे पहले कि अब्दुल इनकी मदद करके वाहवाही लूटे, मुझे ही कुछ करना होगा। दो लोग हैं, पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम लोग एक ही बार में जितना बन पड़ता है ले जाते हैं। लाइए, मैं कर देता हूं। जी मेरे हो तो आप लोग क्यों भोजा उठाएंगे? लाइए बाबा, मुझे दीजिए बर्तन। लाइए माँ जी, लाइए। अरे बेटा, तुम अकेले इतने सारे? अरे माँ जी, चिंता मत कीजिए, मैं इनमें पानी भर के आपके घर तक पहुंचा दूंगा। साईं, मैं इनकी सेवा कर सकता हूँ ना? मैं जानता हूँ राणू जी भाई साहब कि आप क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा। शिरडी से बाहर तो आपको ही जाना पड़ेगा। ये गलत है। हम कब से इंतजार कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। सब्र रखो तात्या, यहां ऐसे ही होता है। किशनलाल, सरकार कृपा करके थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, आजकल पैसों की तंगी चल रही है। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया है, वो भी तुम्हारी मदद करता होगा।
वो क्या मदद करेगा इसकी, वो तो खुद इसके ऊपर बोझ बना हुआ है। सुना है इसका बेटा गलत संगत में पढ़ के जुआ खेलने लग गया है। उधर बेटा जुए में पैसा उड़ा रहा है और इधर बाप कर्जा चुकाने से भी मना कर रहा है। जुआ खेलने के लिए तेरे बेटे के पास पैसे है, लेकिन ब्याज का भुगतान चुकाने के लिए नहीं। चुका तो दूं, लेकिन क्या करूं, वो सारे पैसे चुरा लेता है। ऐसे बेटे को तो मार मार के घर से बाहर निकाल देना चाहिए। सुन, कल तक पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे खेत का अनाज बेच के पैसे वसूलूंगा मैं। अरे ओम, पाटिल और उसके बेटे को अंदर भेज और तू जा। जी सरकार। पाटिल जी, आपको और तात्या को सरकार ने अंदर बुलाया है। मैं मदद करूं? नहीं अब्दुल, इतना भी भारी नहीं है, मैं उठा सकता हूं। मदद तो मैं तुम्हारी करूंगा अब्दुल, शिरडी से बाहर जाने में। राणू जी, मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? अरे नहीं साईं, मेरे हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना बोझा उठाने की मेरी आदत है। मैं रोज इससे भी वजनी कंबल के गट्ठर उठाकर बाजार में जाता हूं। साईं, आज आप जान जाएंगे कि मुझ में भी ताकत है। कहाँ है आपका घर? साईं रुकिए, इन्हें इस पे बिठा देते हैं। नमस्ते कुलकर्णी सरकार, मैंने तो आपसे कोई कर्जा नहीं लिया, फिर क्या समस्या आ गई कि हम दोनों को आपने यहां बुला लिया? समस्या तो है पाटिल जी, और जटिल भी है। बात यह है कि अगर ऋण हो, ब्याज हो, तो उसकी वसूली सरल होती है, लेकिन कुछ कृत्य ऐसे होते हैं जिनकी भरपाई ना पैसों से होती है ना वस्तुओं से। तो बताइए, ऐसे कृत्यों की भरपाई कैसे की जाए? क्या कह रहे हैं, जरा साफ साफ कहिए। साफ साफ कहूंगा, आपके इस कपूत ने मेरे सपूत को शराब की लत लगा रखी है। मैं ऐसा क्यों करने लगा? मैंने तो आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है। अच्छा, तो तू सच कह रहा है और मेरा बेटा झूठ?
केशव नीचे आओ और अपने पिताजी को बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। यहाँ मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ बताएगा वो बताएगा, सच बताएगा। केशव नीचे आ जाओ। बोलो केशव, दात्या ही थाना जो तुम्हें वहां ले गया था। केशव बताओ, मैं तुम्हें ले गया था? हाँ। केशव ये क्या कह रहे हो? मैं सच्ची तो बोल रहा हूं। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे? भट्टी कहाँ है ये तुमने मुझे नहीं बताया? हाँ लेकिन मैं बस और कुछ नहीं सुनना है मुझे। देख लिया पाटिल जी? सुन लिया? आपके बेटे ने आपके सामने स्वीकार कर लिया। तात्या ने आज तक उस शराब की भट्टी पर कदम भी नहीं रखा। शराब को छूने की बात तो दूर की है। अच्छा, इसका अर्थ ये है कि तात्या ने मेरे बेटे को बिगाड़ने के लिए ये सब किया? क्यों? तात्या सच सच बता, ये सब करने के लिए तुम्हारे पिताजी ने तो नहीं कहा तुमसे? बोलो। बाबा तो शिरडी में थे भी नहीं, और वो ऐसे इंसान है जो सपने में भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोच सकते। और रही बात केशव को बिगाड़ने की, तो मैं ऐसे शराब की भट्टी पर नहीं ले गया था। हाँ, नगर जाते समय मैंने इसे जरूर बताया था कि उस छोटे वाले रास्ते से शिरडी का कोई भी इंसान नहीं आता जाता, क्योंकि उधर शराब की भट्टी है। मैंने इसे प्रोत्साहित करने के लिए नहीं बल्कि खतरे से आगाह करने के लिए बताया था। झूठ बोल रहा है तो? अभी सत्य का पता चल जाएगा, वो देखो। रुको, तुम दोनों बहुत जल्दी में हो, कम से कम मेरी खातिर थोड़ा धीरे चलो। जी साई। जरूर साई। विजय माजी रख दिया पानी, अब से मैं रोज आपके लिए पानी भरकर लाया करूंगा। आपका घर रास्ते में ही पड़ता है तो मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। बेटा, हमें यहां तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार आपने मुझे बुलाया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? हरिओम, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें केवल सच बताना है। यह है मेरा बेटा केशव। क्या ये तुम्हारे भट्टी पे दारू पीने आया था? मर गए, ये तो कुलकर्णी सरकार का बेटा है, अब क्या जवाब दूं? जवाब दे। जी सरकार, आए थे पिछले कुछ दिनों से आ रहे थे। क्या केशव को पहली बार तुम्हारे पास लाने वाला ये लड़का था? मैं तो आज इसे पहली बार देख रहा हूं,
हाँ बोलिए, क्या मैंने आपकी भट्टी पर आज तक कदम भी रखा है? केशव अकेला आया था ना? हे भगवान, केशव तो उनको झूठ बोलने के लिए इशारा कर रहा है। हमारा एक बेटा है, वो काम की वजह से हमसे दूर शहर में रहता है। मिलने तो आता ही रहता होगा। आता है, साल में सिर्फ एक ही बार, और वो भी कुछ दिनों के लिए। वो शहर में जाकर बदल गया है साई, तो वहां की हवा लग गई उसे। हम उससे कहते हैं कि यहाँ आकर काम कर ले, तो कहता है अगर वापस बुलाना था तो फिर भेजा ही क्यों। और जब हम उससे कहते हैं कि अगर तू नहीं आ सकता तो हमें ही वहां शहर वाले घर में रख ले, तो बोलता है घर छोटा है, जगह नहीं है। अरे अरे, इसी एक कमरे की झोपड़ी में वो बड़ा हुआ है। जब वो छोटा था ना, तो रात को सो नहीं पाता था क्योंकि मुझे जोर जोर से खर्राटे आते थे, इसलिए उसे दिन में नींद आती थी। पढ़ाई में थकान होती थी, तब मैं कमरे के बाहर सोने लगा। जब वो कुछ बड़ा हुआ ना, तो उसे सोने में दिक्कत ना हो, तो मेरी पत्नी ने भी कमरे में सोना छोड़ दिया। और अब कहता है कि शहर वाले घर में हमारे लिए जगह नहीं है, जगह नहीं हमारे लिए। उसकी राह देखते देखते तो मेरी आंखें पथरा गई, रोशनी जाती रही इन आंखों से, लेकिन वो तो शहर के चकाचौंध में कहीं खो गया है। अरे, अपना दुखड़ा सुनाने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं रहा, आज मेरे घर में मेहमान आए हैं, उन्हें कुछ जलपान करवाऊं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप परेशान मत हो। मेहमान तो भगवान होते हैं, और भगवान की सेवा में कैसी परेशानी। मैं अभी आई। लीजिए लड्डू लीजिए। ऐसा लगता है जैसे केशव ने इस लड़के पर इल्जाम लगाया है। अगर मुझे यहाँ से हड्डी पसली तुड़वाए बिना सही सलामत जाना है तो मुझे वही कहना चाहिए जो सरकार कह रहे हैं। आप तो ये झूठ ही बोलेंगे। जब तुमने कुछ गलत किया नहीं तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। निडर होना चाहिए तुम्हें, लोगों की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास के साथ जो सच्चाई है वो कहो। याद रखना, एक झूठा इंसान कभी भी एक सच्चे इंसान से आंख में आंख डालकर बात नहीं कर सकता। बोलिए ना, खामोश क्यों है? सरकार को जवाब दीजिए, क्या मैं लाया था केशव को आपके पास? साईं, आज बहुत दिनों बाद इस झोपड़ी में रौनक आई है,
वैसे तो यहाँ कोई आता जाता नहीं, आज तुम आए, तुम्हारे साथ दो मददगार भी आए, दोनों ने हमारी मदद की। जी चाहता है अपने हाथों से मैं तुम्हें लड्डू खिलाऊं। लो साई, लड्डू खा लो। जैसी आपकी इच्छा, आगे आओ माई, थोड़ा ताएं। थोड़ा सा भाई, थोड़ा दाएं, दाएं, थोड़ा सा दाएं।